चलो भाई आप लोग क्वेश्चंस बना लिए हैं। 3 क्वेश्चंस दिया गया था ना, पहले बना लो आप लोग अपने से और आंसर मानिक लो सामने, ठीक है। आंसर क्या करो लिख लो, पहला क्वेश्चन देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड पराक्साइड, देखो यहां तो होगा क्या, लिख लीजिएगा मैकेनिक, लिख लो इसका मैकेनिक, लिख लो भाई इसमें, देखो फिर वही प्रोसेस, बेंजीन C11O4, इसको सनलाइट दे दो क्या, ये पराक्साइड बॉन्ड क्लीवेज होगा, और जैसे ही पराक्साइड क्लीवेज होगा फिर देखो यही से ये CO2 निकल जाएगा दोनों साइड से और बनेगा आपका C6H5 दो मॉलिक्यूल्स प्लस 2 CO2। अब ये देखो सीखना है आप, ये है जो C6H5 फ्री रेडिकल प्लस साथ में CCl रूट फ्री रेडिकल इसमें किसको खींचता है, इंपॉर्टेंट ये है रूट फ्री रेडिकल इसमें से किसको खींचेगा, रूट फ्री रेडिकल सिर्फ क्लोरीन को खींच लेगा और बनेगा क्या C6H5Cl और साथ में CCl3 फ्री रेडिकल, और इसी को हम बोलते हैं टैगी स्पीसी, देख लो बच्चे इसी को हम क्या बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। कुछ लोग यहां सोच रहे हैं इतना जल्दी कैसे हो गया, बड़ा भी देखो दिखा रहे टाइम चाहिए तो टाइम दे दो, जिस बच्चे का ये देखो नहीं समझ रहे यहां से पूछे देखो पहले यहां से टूटेगा, ये बनेगा फिर देखो यहां से ये आपस में यहां से क्लीवेज करके रेजोनेंस कर लेगा, क्या कर लेगा रेजोनेंस कर लेगा और ये टूट जाएगा फिर 2 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल 5 रेडिकल वही 5 रेडिकल हमने यहां लिखा है, तो 5 किसको सिर्फ किया क्लोरीन को, सिर्फ किसको क्लोरीन को, ये क्या हो गया अटैकिंग स्पीसीज। अब यहां देखो अटैकिंग स्पीसीज CCl3 रेडिकल, यहां पर क्या होगा कि कोई भी अटैकिंग स्पीसीज यहां अटैक होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जब यहां अटैक कराओगे तो 2 डिग्री का इंटरमीडिएट बनेगा, अगर 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा तो उससे वो मोर स्टेबल होगा, देखो कि CH3 CH CH2 CCl3 सब क्रिएट क्या होगा बेंजीन वाले से, ठीक है देखो पहले इतना ठीक है भाई, अब फिर जब ये बेंजीन लेके आओगे ये वाला वो जो ये ना फिर रेड कर जो सीएल है बेंजीन के साथ ये इधर चला जाएगा और थोड़ा बन जाएगा CH3 CHCl CH2 CCl3, देख लो ऐसे डिनोट हो गया और मिटा दें। एक चीज देखो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका ये मैग्नीशियम पहले बढ़ जाएगा इतना, इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे, इसे नहीं मिटाया जाएगा, ठीक है इसे नहीं मिटाया जाएगा, कैसे देख रहा है अरे भाई
क्वेश्चन था CHCl3। देखो यहां से पता है कि जो फ्री रेडिकल है इसका बचपन का दोस्त कौन है इसमें से, जैसे जैसे लिख दिया गया C6H5 फ्री रेडिकल प्लस, मैंने फिर किसको कैच किया H को, तुम्हारा डेंगी सिक्स क्या बन गया फिर CHCl3 फ्री रेडिकल। बोलो भाई तो क्या बन जाएगा CCl3 फिर रेडिकल, और फिर उसको अटैक करो रेडिकल को ये नाम कर नेक्स्ट स्टेप ये बेंजीन गैस दे देगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। नोट कर लो भाई ये सेकंड क्वेश्चन था, ये मॉर्फ का सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लो आप, देखो भाई सबको क्या दे रहा है, नोट कर लो CCl4 में क्या टैगिंग इसमें CCl3 और CHCl3 में क्या टैगिंग इसमें CCl3 ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन लिख लो आप, ये ना अब एक आप ब्रोमी लेके आ जाओ, क्या ले जाऊंगा इसमें देखो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जब ब्रोमीन आ जाएगा ना यहाँ पे ब्रोमीन पहले नोट कर लो ऊपर वाला सब लोग ठीक है, नोट कर लो भाई साहब देखो ब्रोमीन केस में क्या होता है कि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए बेंजीन उसको ना कैच करके सबको कैच कर लेता है और यहां दे देता है BR रेडिकल अटैकिंग स्पीसीज। क्या दे दिया आपको BR रेडिकल अटैकिंग स्पीसीज। फिर देखो भाई सेम यही प्रोसेस, यहां BR रेडिकल पहले अटैक करा दो, ये बनेगा इन रेडिकल अगर जो मिलेगा उसको वापस कर दो यहां पर, नोट कर लो भाई इसको, और जिन लोगों को इसमें अगर कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन खोजिएगा इसका जहां पे CCl4 CHCl3 और CBrCl3 हो और प्रोडक्ट मिला लीजिएगा सेम यही होगा, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा और टेंशन मत रहिएगा भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप इसी में कि भाई तुम कब से HBr ही क्यों यूज कर रहे हो, HCl क्यों नहीं यूज करते, या फिर HI क्यों नहीं यूज करते, या फिर HF क्यों नहीं यूज करते, ये भी हो सकता है। देखो HF इसलिए नहीं यूज करते वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है हाईली रिएक्टिव होगा, जिस बर्तन में या जिस में इसका रिएक्शन कराओगे वो उस वेसल को ही जो HF है डिसअपीयर कर देगा, मींस उसको ही वो गायब कर गायब नहीं से हुआ जिससे उसको उसी से रिएक्शन करने लगे, इतना रिएक्टिव होता है कि उसी से रिएक्शन करने लगता है इसलिए HF का यूज नहीं करते। दूसरा है HCl और HI, तो ये क्वेश्चन लिखो थोड़ा आप लोग खोज के लाना, क्वेश्चन लिखो
देखो भाई वाई क्वेश्चन देखो वाई देख लो भाई वाई एंटी मार्बन का क्या परऑक्साइड इफेक्ट वाई एंटी मार्बन का आर परऑक्साइड इफेक्ट इज ओनली वी HBr only be HBr not be HCl and HI not be HCl and HI ऐसे क्वेश्चन देखो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो क्यों एंटी मार्बन का हमें HBr ही दिया जाता है HCl या एच आई क्यों नहीं लिया जा सकता ठीक है भाई जो एच सी एल या एच बी आर नहीं लिया जा सकता तो नोट करो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा बट उससे पहले आप इसको सॉल्व करके लाओगे और कहीं से ना कहीं से भोज करके लेके आओगे।